पहले के कहां के शैतान, पहले के भी दिखा दे दो जोर से निकल गए वो। अच्छा ये तुमने इसको कहां से पकड़े? नहीं जाना है अबे। अच्छा मेरे दोस्त सवाल के जवाब देना, बाकी के बाद में पूछूंगा मैं। बच्चे को कब मारने वाले जान से? कब अम्मा से मैं सही सही में जलाल ने आना ना तो तेजी से आंख भड़का दूंगा। कसम अल्लाह की। सही बोल। हम इनको नहीं मारना चाहते। हाँ फिर कौन मारना चाह रहा था? हमारे साथ और है। अच्छा वो मारना चाह रहे? जो गैर है। अच्छा वो मारना चाह रहे? वो मारना चाह रहे। कब मारने वाले अम्मास में पूनम में? अम्मास कितना टाइम बचे आला, एक साल दो साल छह महीने? पता नहीं। मारने वाले मगर मौका देखकर एक्सीडेंट करके मारने वाले, बीमारी डाल के मारने वाले? कैसा बीमारी? अच्छा कौन सी बीमारी? हम इनका गलत नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे दूसरे उन्हों मार रहे, मुझे दूसरे उन्हों बीमारी डाल रहे। बीमारी डाल रहे ठीक है। चलो वो तो सब इतना तो पूछा दिया ना मैं, अब दूसरी बात तुम्हारे क्या बोलते तो पूरा आगे का पूछूंगा। चलो अब जाओ, जब मैं आवाज दिया जमान आ लेटा पैदल हो मेरे। क्या नाम है इसका? मुश्ताक। चल जाओ बाहर जाओ। गो बैक। Hey, मुश्ताक ए कैमरा कैमरा घुमा कर ट्रैक। अरे मुश्ताक सुन लिए क्या दास्तान है? तो अब तुम अब नामा वामा कौन डाला था क्या डाला था वो आगे पूछूंगा मैं। कैसा करे थे क्या करे थे कितने लोग आते वो सब पहले पूछा दिया तो पहले जंगा लग जा रहे, बड़े बड़े झगड़े हो जा रहे कि मेरे को वो बोल रहे तुम लोग सब मिल के दोस्तों वो आगे इलाज के दौरान और फर्दर बन। चलो अब जाओ सब बाहर, पूरे शैताना बाहर, जब मैं आवाज दे जब आना। ए मुश्ताक। हाँ ए मुश्ताक। अरे मुश्ताक ऐसा कहा था सो गया था मैं, दूसरा दिन निकला ना अभी। ओए क्या हुआ क्या हुआ, ये कौन है, ये कौन है, वो कौन है, याद आ रहा क्या कुछ? पानी दुकान दो मुझे। क्यों पानी? वो पत्थर कौन दिया उंगली में का? कब से चल रहा था सिलसिला? ये तो अभी 12 साल हो गए वैसे ही, मतलब 12 शादी के पहले। इससे पहले मैं करता था, इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया। वो जगह भागा एक्चुअली। तुम्हारे कौन है? भाई है मेरे बड़े भाई। अच्छा ये कौन है, वो कौन है? अभी कुछ हुआ तो सवाल जवाब याद है क्या हुआ था? एक शरीर के अलग अलग छोड़े वाले चार पांच की गेंगे कितने के और भी ज्यादा उन्हें बोल रहा था उसके अंदर का सुने ना। क्या पढ़ते थे? अच्छा और अच्छी बात है छोड़ता नहीं अच्छी बात है कंटिन्यू पढ़ते हैं ना तो हमेशा ये तो मुस्लिम जिन्ना था। इसके अलावा खबीसा भी है छोड़े वाले, खबीसा उन्हें बोल रहा ना, खबीस गैर है तो गैर मारने के पीछे पड़े वाले है। अब मौका देख के मारने वाले कोई तो भी बीमारी पे डाल के इनका ऐसा है कि घर में जो रोज झगड़े अभी ये इस पे शक करता है। कौन झगड़े करा रहा है? बलात्कार करा रहे थे ना जो हाजिर हुए थे तो अभी कौन है क्या क्या है तुम उसको बाद में पूरा बताऊंगा मैं डिटेल में। अभी खाली तुम्हारा ट्रेला बताया मैंने, स्वास्थ्य बताया ट्रेला कि तुमको भी मालूम होना क्या दास्तान है। तो अब वो बाद में फिर अब मेरे मुंह से मैं बोल देता था तुम आपका समझ में आता था। अब सही तरीके से अमल करो, जैसे जैसे अमल करेंगे बस वो सब निकल गएगा। और सबसे अहम बात ये कहीं की लगे वाले शैताना नहीं है, ये लगाए वाले, लगे वाली दास्तान अलग रहती है और लगाए वाले अलग रहते। तो लगाए वाले खिला के वो मैं तो मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं कोई दावा नहीं करूंगा, मैं उसके मुंह से पूछूंगा कौन डाले थे, कब डाले थे, कैसा करे थे, कितने लोग थे, सब निकाल के रफा दफा करके राइट करा दूंगा इंशाल्लाह ताला ठीक है। मगर जैसा अमल है वैसे तरीके से अमल करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो तकलीफ है सुसाइड करने की भी बहुत कोशिश है। जो अटेम्प्ट करता है इंसान तो इंसान खुद अपनी जान अपने हाथ से कभी नहीं लेता,
उसको बलाएं शैतान से वसवसे डालते, देखो उसको भी बच्चे को भी डालते हैं, तो ये बलाएं शैतान बदमाशियां करते हैं, क्या करते हैं आंग में घुस के वसवसे डालते हैं, काम दिया लड़ता खन्नास, तो इन्हों क्या करते वसवसे डालते, कुरान में भी आ गया ना जिक्र सबका ये चीजों का, तो उन वसवसे डालकर सुसाइड अटेम्प्ट करने लगाते, मारने लगा देते, तो ये रहता खेल जाते दोनों का। खैर अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, बताता हूँ कैसे तरीके से अमल करो, सब राइट करा दे। क्या करे तुमने अटेम्प्ट? मैं बहुत बार मतलब अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की, बहुत बार मैंने जिंदगी में, शादी हो गई मेरी 12-13 साल हो गई, कब अपने बीवी पर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी हाथ नहीं उठाया, पर मैं आज मैं ये कम से कम 4 महीने हो गया, 4 महीने से मैं अपनी बीवी पे शक कर रहा हूँ। ये जो है ना ये अंदर बैठी मालूम नहीं, वो सब पूछा था ना मैं कौन कर रहा था क्या करता, आगे पूछेंगे ना, 100% बोल रहा हूँ कि मेरी बीवी वैसी नहीं है, फिर भी मैं शक कर रहा हूँ। वो ऐसा नहीं, उनको कैसा है वो लड़ाने के वास्ते शयातीनों को छोड़ा लड़ता, तो उन्हों करते बदमाशी अंदर बैठ के, इंसान का दिमाग को सबसे पहले जिन्नात काबू में ले लेते, जिन्नात शयातीन उनके कंट्रोल में लेके चलाते उन्हें। मैं ये 1 साल पहले मतलब ये तभी कम से नमाज जब पढ़ना शुरू किया, ये कम से कम 3 साल से पढ़ना शुरू किया, मेरे को नमाज सूरह यासीन सूरह मुल्क आयतुल कुर्सी चार कुल ये कुछ भी मालूम नहीं था, उसके पहले पूरा शैतान था। चलो अच्छी बात है, अल्लाह का हमको तो पढ़ते रहना कट्टी नहीं, उसने तो फायदे रखे अल्लाह ने सारे प्लान आपका। और दूसरी बात क्या बोलते, तो अब जैसा अमल बताएंगे उस तरीके से अमल करो, पूरा निकाल कर प्रोवाइड करेंगे। ये आए वाला कहीं का और लगे वाला कहीं का शैतान नहीं है, ये अमल हम जैसे कुछ करके खिला के छोड़े आगे दास्तान है, वो सब आगे पूछूंगा, पूरा क्लियर कट करूँगा, मतलब जिस तरीके से अमल करो तो ठीक है। चलो कहाँ से